मैं रघुवीर सिंह, मेरा सभी को नमस्कार। मैं आपके समक्ष कपालभाति प्राणायाम करके दिखाऊंगा, जिसके करने से क्या क्या लाभ होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। कपाल यानी चेहरे का ग्लो बढ़ता है, इसके करने से चेहरे पर लालिमा आती है और ये हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, पेट संबंधी जितने भी विकार हैं सभी को दूर करता है, सभी को ठीक करता है। और ये जैसे लेट जो के वो उरी में सिस्ट यानी गांठ हो जाती है उसको भी घोल देता है। ये इसके अंदर बहुत पावर है। कैंसर के जो सेल होते हैं उन्हें भी भस्म करने की इसके अंदर पावर है। बहुत अद्भुत है ये प्राणायाम। इसको किसको नहीं करना है, जिनका ऑपरेशन हुआ है पेट का वो इसको ना करें, 3-4 महीने के बाद करें। और बीपी वाले, बीपी हार्ट वाले ये इसके धीरे धीरे करें, पर सेकंड 1 मिनट में 60 बार, ये नॉर्मल तरीका है इसका। और जो हष्टपुष्ट है वो इसको थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैठने की विधि बताऊंगा। चौकड़ी मार के ही बैठ सकते हैं, इस तरह से जैसे भी बैठ सके ऐसे बैठे, और इसको अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं इस तरह से, और पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं इस तरह से। अपनी कमर और ये गर्दन इसको सीधा रखना है, क्योंकि गर्दन और कमर सीधी रहेगी तो बेनिफिट्स ज्यादा मिलने वाले हैं। और ज्यादा इस तरह से तनाव देकर भी नहीं बैठना है, ध्यान से और एक मुस्कुराहट के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए योगा करते समय। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कि कपालभाति को किस तरह किया जाता है। ये मुद्रा बनानी है हमें, ये ध्यान मुद्रा है। इस तरह से हाथ ये कौन इस तरह से नहीं करनी है, इन्हें फोल्ड करके इस तरह से रखना है। देखिए और बड़े अच्छे से कोई अच्छा आसन बिछाया नीचे, ज्यादा हार्ड ना हो आसन, खुला वातावरण हो, ये सुझाव है इसका। देखिए किस तरह से करना है। अपनी सांस को एक प्रेशर के साथ बाहर फेंकना होता है। जब हम बाहर सांस को फेंकेंगे तो हमारा पेट जो है अंदर जाएगा, और सांस को लेना नहीं है, सांस तो अपने आप स्वतः ही आता रहेगा। देखिए किस तरह से, इस तरह से ये करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है और सिखाते समय में अपने सेंटर पे भी देखता हूं कि वो सांस को उल्टा खींचते हैं, जिस तरह से, इस तरह से नहीं करना है। इसका सही तरीका जो यही है जो मैं बता रहा हूं। देखिए इस तरह से करना है। और जो हमारे जवान बच्चे हैं वो इसे थोड़ा तेजी से फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से,
तो मैंने आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को मेरा नमस्कार।